वन्य प्राणी विभाग द्वारा इंटरप्रिटेशन सेंटर में विश्व वेटलैंड पोंग झील में आने वाले प्रवासी पक्षियों की गणना के लिए दी गई एक दिवसीय ट्रेनिंग ब्यास नदी पर बने अंतर्राष्ट्रीय रामसर वेटलैंड पोंग बांध में कितने प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं यह बुधवार को होने वाली सालाना गणना के बाद सामने आएगा। वन्य प्राणी विभाग द्वारा विदेशी परिंदों की वार्षिक गणना के लिए निर्धारित 31 जनवरी को परिंदों की गणना की जाएगी। इससे पहले गणना के लिए मंगलवार को इंटरप्रिटेशन केंद्र में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें पक्षी गणना के लिए 3 से 6 पक्षी विशेषज्ञों वाली 25 टीमों का गठन किया गया। इसमें वन्य प्राणी विभाग के अलग अलग परिक्षेत्रों से 3 परिक्षेत्र अधिकारी व चंडीगढ़ वर्ड क्लब से सदस्य शामिल किए गए हैं। टीमों में शामिल सभी सदस्यों को वन्य प्राणी परिक्षेत्र नगरोटा सूर्या के परिक्षेत्र अधिकारी पविंदर ने प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रवासी पक्षियों की पहचान व जानकारी दी व गणना करने के तरीके समझाए गए। एचपी बायोडाइवर्सिटी के भी कुछ सदस्य आए हैं और हमारे सुंदरनगर फॉरेस्ट एकेडमी के 33 ट्रेनीज भी आए हैं जो इसमें भाग लेंगे। इसमें जो है गणना 31 जनवरी 2024 को की जाएगी, जो एक ही समय पर स्टार्ट होगी, जिसमें हमने पूरी लेक को 25 सेक्शन में बांटा है। हर एक सेक्शन में एक टीम जाएगी और एक ही समय पर यह गणना की जाएगी। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नगरोटा सूर्या से रामस्वरूप शर्मा की रिपोर्ट।